अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ 1 पॉट सोयाबीन राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बस सोयाबीन जो है ना, उसे पानी में आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 6 से 7 बार आप इसे वॉश कर लेना और फिर यूज़ करना। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 750 ग्राम राइस लिया है, जिसे मैंने वॉश करके सोक कर लिया है पानी में। और अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और साथ ही में यहाँ पर मैंने एक वेसल ले लिया है, इसमें हमें ऑयल ऐड करना है। हम 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे इसमें। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 मीडियम साइज़ के अनियन ऐड कर देंगे, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसे हमें एक अच्छा सा एक लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है हमें। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, यानी इसमें एक कलर आ जाएगा, जैसे कि हमें कलर चाहिए, ये ऐसा कलर हमें चाहिए, लाइट गोल्डन कलर, तो इसमें हम गरम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही में इसमें कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें सिनेमन स्टिक, हरी इलायची, ब्लैक पेपर, एंड मैंने इसमें थोड़ी सी लौंग ली है, तो ये आपको ऐड कर देनी है और इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन ऐड कर दिया है, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉटे करेंगे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद अभी हम इसमें हमारे जो टमेटोज़ हैं उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमेटो ली है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। साथ ही में मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, उसे बारीक बीच में से कट कर लिया है और वो भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर जो होता है, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट, जो हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड करेंगे। और इन्हें भी हमें अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेना है। जब तक ऑयल जो है रिलीज़ ना हो जाए मसालों से, अच्छी तरह से हमें भून लेना है। 3 से 4 मिनट हो गए, ये अच्छे से मसाले हमारे पक गए हैं, देख सकते हो आप, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम पोटैटोज़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 ले लिए पोटैटोज़, और इसे का सिर्फ छिलका निकाला है, इसे कट नहीं किया है क्योंकि छोटे साइज़ के थे। और साथ ही में मैंने इसमें 1 कप के करीब गाजर जो होता है उसे ऐड कर दिया है, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले मैंने ये सब्ज़ियाँ ऐड की है। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये भी 1 कप के करीब होगी। एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसे बारीक बारीक कट कर लिए, तो इसे भी हम पका लेंगे। पकने के लिए टाइम नहीं लगता है, अभी हम सोयाबीन ऐड कर देंगे। सोयाबीन डालने के बाद अगर आपको मसाले बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल देना, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आप देख सकते हो, मैंने मिक्स करने के बाद भी इसमें काफ़ी वाटर था, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया कुछ भी। आपको अगर ड्राई लगे आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जब इस तरह से हो जाएगा, हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। और अभी हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, जो हमने सोक करके रखा हुआ था। राइस डालने के बाद हमें एक बार इसे मिक्स कर लेना है, लेकिन जब आप इसे स्टर करो बहुत हल्के हाथों से करना, वरना चावल टूट जाते हैं। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से, और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 कप राइस लिए थे, तो इसमें मैं 4.5 कप पानी ऐड कर दूँगी। डबल पानी अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चावलों को सोख करके रखा था। तो अगर आप इसमें डबल पानी डालोगे तो चावल जो है वो खुले खुले नहीं बनेंगे, तो हम इस तरह से ही पानी डालना है। यहाँ पर पानी पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, एक बार हम फिर इसे मिक्स कर लेंगे।
और जो थोड़ा सा आपको इसमें पानी दिख रहा है, अभी हमें चावलों को दम करना है। हम इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए दम पे रखेंगे, तो जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और हमारे चावल एकदम खुले खुले से बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स के लिए इसे रख दिया था दम पे। अभी दम हो चुका है तो मैंने चावल को ओपन कर लिया है और ये देख सकते हो आप कि चावल कितने अच्छे से खुले खुले पके हुए हैं। और साथ ही में जो हमने सब्ज़ियाँ इसमें यूज़ की थी वो भी पक चुकी है, गाजर वगैरह भी, सारे सब्ज़ियाँ जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। आप अगर इसे बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी भी, और बहुत इजी है और बहुत जल्दी से बन जाती है। आप इसे थोड़े कोरिएंडर के साथ गार्निश कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वन पॉट सोयाबीन राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही में अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही में मुझे कॉमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।